शादी में डांस करते हुए तो कभी बैडमिंटन खेलते हुए लोगों की मौत के मामले पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अब नागपुर शहर से भी सामने आ रहा है, जिसमें बैडमिंटन खेल रहा एक शख्स अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। नागपुर शहर में बैडमिंटन खेल रहे शख्स की अचानक मौत होने का मामला सामने आया है। मरने वाले शख्स का नाम गुन्नू धर्मू लोहारा है, जिनकी उम्र 49 साल थी। वह अपने दोस्त के साथ पाँचपावली इलाके में सोमवार सुबह बैडमिंटन खेल रहे थे। मैच के दौरान ही अचानक गुन्नू बेहोश होकर गिर पड़े। बेहोशी की हालत में उन्हें सेंट्रल रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने उनकी मौत के बाद आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गुन्नू नागपुर के यादव नगर के रहने वाले थे। फिलहाल गुन्नू की मौत की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक हो सकता है। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कभी बैडमिंटन खेलते शख्स की मौत हुई है तो कभी डांस करते वक्त किसी को अचानक हार्ट अटैक आया और वह दुनिया से ही विदा हो गया। दिनांक 13/3/23 वाजता गन्नू धर्मू लोहारा वय 49 वर्ष राहणार यादवनगर हे त्यांचे मित्र महेश बालकृष्ण चिंतमवार वय 35 वर्ष दोघंही रेल्वेमध्ये नोकरी करत होते आणि हे सकाळी बुद्धनगर पार्क येथे बॅडमिंटन खेळण्याकरता नेहमीप्रमाणे आले असता अचानक गन्नू लोहारा यांची प्रकृती खराब झाली आणि त्यांना हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केले असता त्यांना मृत घोषित करण्यात आले होते। यावरून पोलीस स्टेशन येथे ED क्रमांक 13/23 CRPC 174 दाखल आहे आणि तपास सुरू आहे। यामध्ये मृतकाचे PM झालेले आहे, पुढील पूर्ण रिपोर्ट आल्यानंतर तपशीलवार सांगता येईल, त्याच्यामध्ये तपास सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी, BCN न्यूज नागपूर।